मानिए, कुछ फोटोशूट्स इतने खूबसूरत होते हैं ना कि देख कर लगता है कि ऐसे नज़ारे अगर रोज़ाना देखने को मिलते तो कैसा होता। लेकिन ये तो हो नहीं सकता, लेकिन खूबसूरत नज़ारे तो हम आपको दिखा ही सकते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं तानिया शर्मा के पास, जो करा रही है एक ऐसा ही खूबसूरत सा फोटोशूट। शादियों का मौसम चल रहा है आजकल, कई सितारे शादी कर रहे हैं। ऐसे में तानिया शादी तो नहीं, लेकिन हाँ शादी का एक फोटो शूट जरूर करवा रही हैं। वो भी काफी स्पेशल, क्योंकि ये दुल्हन जरा हटकर है। नॉर्मल फोटोशूट नहीं है आज मेरा। जैसे आपको पता है कि शादी सीजन ऑन है, दीपवीर ले लो, नियंका ले लो, उन सब की वेडिंग पिक्चर्स देख देख के हम सारी लड़कियां आहें भर रही हैं। उससे इंस्पायर्ड होके मैंने भी एक छोटा सा फोटोशूट ऑर्गेनाइज करवाया है, विच इज़ अ ब्राइडल फोटोशूट, बट टू बी स्पेसिफिक इट्स अ मुस्लिम ब्राइड एंड इट इज़ समथिंग डिफरेंट। सामने जो मेरी ज्वेलरी देख रहे हैं, इसमें से अब मुझे चूज करना है कि मैं क्या करूं क्या नहीं पहनूं। मेरी नज़र ऑनेस्टली पासा पे है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मुस्लिम ब्राइड का जो बहुत बड़ा एलिमेंट होता है वो पासा होता है। मेकअप, कपड़े और फिर गहने सज धज कर जब ये दुल्हन तैयार हुई तो फिर शुरू हुआ फोटोशूट। मैंने आज इस लुक में आज मैंने इसको मुस्लिम ब्राइड बनाया है। मैंने ग्रीन कलर का बहुत यूज़ किया, बिकॉज माई फेवरेट कलर इज ऑल्सो ग्रीन। दुल्हन का चेहरा इतना सुंदर हो तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। इतनी हैवी ज्वेलरी के साथ में मेरे को था कि मैं मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखूँ, तो मैंने एक सॉफ्ट न्यूट्रल स्मोकी आई किया है। और लिप्स को भी अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत ही एक न्यूट्रल सा एक सॉफ्ट कलर दिया है, और मेकअप को काफ़ी सटल रखा है। हेयर भी बहुत रिलैक्स है, एकदम क्लासिक हेयर स्टाइल है। तो अगर आप भी दुल्हन बनने वाली हैं, तो गहने और कपड़े चुनते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखिए कि वो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा दे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।